मूवी के स्टार्टिंग में हम एक डिपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं और एक दूसरे को भी खुश रखते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक सारा नाम की लड़की उसी डिपार्टमेंट में रहने के लिए उस जगह को देखने आई है, पर जब अंदर आती है तो उसे गेट लॉक दिखता है। ये देख उसे बड़ी हैरानी होती है कि तभी वहाँ ब्रायन नाम का एक लड़का आता है और उस गेट को खोल कर कहता है कि ये हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए बंद रखा है। और अंदर आने के बाद जेरी उससे कुछ क्वेश्चन करता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, फैमिली में कौन कौन है और तुम्हारे पास पेट तो नहीं है ना। उस टाइम तो वो मना कर देती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसके पास एक कैट होती है। इसका मतलब वो झूठ बोल रही है। उसी रात उसके डैडी का फोन आता है। उसकी बात से लगता है कि उसकी और उसके डैडी की ज्यादा आपस में बनती नहीं है, और ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद सारा वहाँ अपनी न्यू जॉब स्टार्ट करती है, जहाँ उसकी एक न्यू फ्रेंड भी बन जाती है जिसका नाम लिसा होता है। और फिर नेक्स्ट डे वो उसी डिपार्टमेंट में शिफ्ट करती है और उसी दौरान उसे एक आदमी देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही सारा की नजर उस पे जाती है तो वो छिप जाता है। उसके बाद ब्रायन उसके पास आता है और शाम को उसके वेलकम के लिए एक पार्टी प्लान होती है। उसके बाद शाम को मिस स्टैनहोप, जो कि उस डिपार्टमेंट की मेन हेड है, वो सारा को सबसे मिलाती हैं। उनसे मिलकर उसे बहुत अच्छा लगता है, पर तभी उसकी नजर उसी आदमी पर फिर से जाती है जो उसे देख कर छिप जाता है। उसका नाम लेस्टर होता है और वो तभी सारा के पास आता है। उसके पास आता देख वो थोड़ा घबरा जाता है। वो उसके पास आता है और उसे एक बुक देता है, लेकिन सारा वो बुक लेने से मना कर देती है और फिर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद सारा ब्रायन से स्टैनहोप के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनकी फैमिली हमसे ही शुरू होती है और हमें पर खत्म हो जाती है। ये बात सुनकर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और फिर वो स्टैनहोप के साथ कुछ टाइम बिताने लगती है। उसके बाद जब वो अपने रूम में जाती है तो उसे किसी की आवाज आती है, और जब वो ध्यान से सुनती है तो उसे पता चलता है कि कोई उसके रूम के बाहर खड़ा होकर बातें कर रहा है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो चोरी छुपे अपनी कैट को उसी डिपार्टमेंट में लाने लगती है कुछ सामान के साथ, पर तभी वहाँ ब्रायन आ जाता है। वो उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन सारा मना कर देती है, क्योंकि अगर ब्रायन को उसकी कैट के बारे में पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जब उससे पेट के बारे में पूछा गया था तो उसने मना कर दिया था। और उसी रात हम देखते हैं कि उसकी कैट गायब हो गई है। वो उसे ढूंढती हुई बाहर आती है और वहाँ उसे स्टैनहोप मिलती है। वो उन्हें उनके रूम पर छोड़कर आती है और वहाँ उसे वही बुक मिलती है जो लेस्टर उसे दे रहा था। तभी वो स्टैनहोप से उसके बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो अभी कुछ ज्यादा ही परेशान है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह कोई उसके रूम में एक लेटर छोड़ देता है और उस पे उसी के बारे में लिखा होता है और सारा के लिए गालियां भी लिखी होती हैं। उस लेटर को पढ़कर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बाहर आती है और देखती है कि ये फिर किसने किया है, तो वहाँ उसे लेस्टर ही दिखता है, तो उसे लगता है कि ये इसी ने किया होगा, पर फिर भी वो उससे दूर ही रहती है। उसी रात उसकी फ्रेंड लिसा उससे मिलने आती है, तो सारा उससे अपनी सारी बातें बताती है। तो वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो तुम दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। रात को उसे कुछ जलने की महक आती है तो वो चेक करती है और उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि ओवन में उसी की कैट होती है जो पूरी तरह पक चुकी थी। इतना ही नहीं, वहां पर एक और पेट को वो नोटिस करती है, पर तभी कोई सारा के पीछे से हमला करता है और उसे चेयर से बांध देता है। तभी हम देखते हैं कि वो ब्रायन ही है। वो उसे बेहोश करने ही वाला होता है, पर तभी वो वहां से भाग जाती है। भागते हुए उसे एक लेडी मिलती है। सारा को लगता है कि वो उसकी हेल्प करेगी, लेकिन वो भी ब्रायन के साथ मिली हुई होती है। और ओनली वही लेडी नहीं बल्कि पूरा डिपार्टमेंट ही मिला हुआ है। फिर वो सभी मिलकर उसे बेहोश कर देते हैं। उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक रूम में पाती है जो कि पूरा खाली होता है। तभी वहाँ ब्रायन और जेरी आते हैं और उससे कहते कि तुम अपने हाथ दीवार पर और शरीर थोड़ा पीछे करके खड़ी हो जाओ, लेकिन वो ये करने से मना कर देती है। तो वो तभी वहाँ लेस्टर को बुलाते हैं और उसे दिखाते हैं कि जब उसने मना किया तो उसके साथ क्या हुआ। उसकी एक आंख फोड़ दी गई थी। ये देखकर वो डर जाती है और जैसा वो बताते हैं वो ठीक वैसा ही करती है। बहुत देर से एक पोजीशन में रहने के कारण उसे दर्द होने लगता है, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि वो उस पे कैमरे से नजर रखे हुए थे और जब तक लाइट बंद नहीं हो जाती उसे ऐसे ही रहना होगा। फिर अगली रात लाइट बंद हो जाती है और वो गिरने के साथ ही
बेहोश हो जाती है। अगली सुबह उसे खाने के लिए कुछ दिया जाता है। उसके बाद कुछ दिन तक उसे ऐसे ही रखा जाता है। फिर एक दिन मिस स्टैनहोप उससे मिलने आती है और वो उसे वहाँ लाने की वजह बताती है। वो कहती है कि तुमने गलत किया और इस डिपार्टमेंट के रूल को तोड़ा और तुम्हें लोगों के बीच रहना नहीं आता, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है ताकि तुम नियमों को आगे से ना तोड़ो और सबके साथ मिलकर रहो। फिर वो वहाँ से चली जाती है और सारा को फिर उसी पोजीशन में खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन अब उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी और वो गिर जाती है। तभी ब्रायन और जेरी वहाँ आते हैं और उसे खड़ा होने को कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि अब उससे ये नहीं होगा। तभी जेरी एक गन निकालता है और वो उसे मारने ही वाला होता है और तभी सारा उसे रोक देती है और फिर से उसी तरह खड़ी हो जाती है, लेकिन अब उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो सहारे के लिए ब्रायन उसके दोनों हाथों में कील ठोक देता है जिससे कि सारा को बहुत दर्द होता है। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद उसे अपने डैडी की आवाज आती है जो कि उसे बुला रहे थे। सारा अपनी डैडी की आवाज सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाती और अपने हाथों को वहां से निकाल लेती है। उसे दर्द भी बहुत हो रहा था पर उस समय उसे बस अपने डैडी की आवाज सुनाई दे रही थी और कुछ भी नहीं। हाथ निकालने के बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि सभी मिलकर उसकी पट्टी कर रहे हैं। उसके बाद वो सभी अपने हाथ दिखाते हुए कहते हैं कि जो तुमने अब सहा है वही पहले हमने भी सहा था। उसके बाद ब्रायन और जेरी मिलकर फिर से उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, जिसमें वो ये भी पूछते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे डैडी के बीच कैसा रिश्ता है। तब वो बताती है कि वो अपने डैडी को पसंद नहीं करती क्योंकि जब मेरी मम्मी ज्यादा बीमार थी तो हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया था ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके, लेकिन उसी हॉस्पिटल में डैडी का अफेयर स्टार्ट हो गया एक नर्स के साथ और जब ये बात मम्मी को पता चली तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसी बात के कारण उसकी और उसके डैडी के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहती हो या नहीं। वो पहले तो हाँ कर देती है लेकिन उसके मन में ना ही होता है, लेकिन ब्रायन उसे थोड़ा टाइम देता है और उसके साथ एक बुक भी जिसमें डिपार्टमेंट के सारे रूल्स लिखे थे। उसके बाद उसे लेस्टर की क्लास में ले जाया जाता है जहाँ वो बच्चों को रहन सहन के तरीके सिखा रहा होता है। फिर कुछ दिन बाद ब्रायन सारा से फिर वही क्वेश्चन करता है तो वो उससे और थोड़ा समय मांग लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस स्टैनहोप बीमार हो जाती हैं और डिपार्टमेंट के सभी लोग उनसे मिलने जाते हैं। वहाँ सारा भी जाती है और तभी वहाँ ब्रायन आता है और कुछ ऐसा बोलता है जिससे कि सभी तो खुश होते हैं लेकिन सारा को शॉक लगता है। वो कहता है कि हमें आपकी बहुत याद आएगी और तभी वो स्टैनहोप को एक पॉइजन गैस देते हैं और वो भी इसे खुशी खुशी ले लेती हैं और मर जाती हैं। लेकिन यहाँ जो भी हुआ वो सारा के बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। उसके बाद ब्रायन उसे बताता है कि यहाँ बस लोगों को खुश रहना आता है, अगर कोई परेशान होता है तो सभी उसकी मदद करते हैं एक फैमिली की तरह, और तुम भी हमारा पार्ट बनोगी तो ये सब तुम्हें भी मिल सकता है और यहाँ पर ऐसा ही होता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब ब्रायन उससे डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग के लिए पूछता है तो वो हाँ कर देती है। उसके बाद एक डिपार्टमेंट का निशान उसके कान पर लगाया जाता है जो सभी के लगा हुआ होता है। उसके बाद रात को एक और पार्टी होती है और जेरी उससे कहता है कि अब से सारा लेस्टर के साथ रहेगी उसी के रूम में, लेकिन सारा को ये अच्छा नहीं लगता पर वो कुछ भी नहीं कर सकती। और उसके बाद वो लेस्टर के रूम में आ जाते हैं। तभी सारा पूछती है कि उसके रूम का क्या होगा तो वो कहता है कि वो तुम्हारा नहीं बल्कि जो भी न्यू कैंडिडेट आता है वो उसे दिया जाता है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ जेरी आता है और कहता है कि सारा तुम्हारे डैडी तुमसे मिलने आए, तो वो उनसे मिलने जाती है लेकिन वो उन्हें बहुत बुरी तरीके से बात करती है और उन्हें बहुत ज्यादा बुरा भला भी कहती है क्योंकि उसे डर था कि वो उसके डैडी को कुछ कर ना दे। अब अपनी बेटी के मुंह से अपने लिए इतना सुनने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद लीसा वहाँ आती है रहने के लिए और जेरी उसे वही रूम देता है जिसमें सारा को रखा गया था और फिर उसके साथ भी वही होता है जो सारा के साथ हुआ था, लेकिन लीसा उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी तो वो सारा को उसके पास ले जाने को कहते हैं ताकि वो उसे समझा सके। लेकिन जब वो उसके पास जाकर उससे बात करती है तो वो उसे साफ मना कर देती है। उसके बाद अब लीसा को सजा मिलनी थी, सजा के रूप में वो लोग उसके कान को खराब करने लगते हैं, लेकिन सारा से ये सब देखा नहीं जाता तो वो जेरी को मार कर लीसा को लेकर भागने लगती है। पर तभी जेरी लीसा को गोली मार देता है। अपनी फ्रेंड को मरा देख उसको
बहुत गुस्सा आता है और वो भी जेरी को मार देती है और उसकी गन ले लेती है। पर तभी वहाँ डिपार्टमेंट के बाकी लोग भी आ जाते हैं। ब्रायन उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी सारा उसे भी गोली मार देती है और वो वहाँ से भागने लगती है। सारा लेस्टर को भी भागने को कहती है पर लोगों ने उसे घेर रखा था तो वो भाग नहीं पाता। पर तभी बाकी लोग भी सारा को पकड़ने लगते हैं और तभी लेस्टर गन लेकर सभी लोगों को शूट करने लगता है जिससे सारा तो निकल जाती है लेकिन लेस्टर उन सबके हाथ आ जाता है। लेकिन तब भी वो सारा को बाहर निकाल देता है और डोर बंद कर देता है और उस डोर की एक ही होती है जो कि सारा ने जेरी की पॉकेट से ले ली थी। और तभी लेस्टर अपने आप को भी शूट कर लेता है क्योंकि अगर वो उनके हाथ आ जाता तो पता नहीं उसके साथ क्या करते वो लोग। लेकिन अब सारा आजाद हो गई और वो वहां से भाग जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। बेसिकली इस मूवी में एक ऐसी सोसाइटी को दिखाया गया जो अपनी एक अलग दुनिया और अलग रूल्स बनाना चाहते हैं वो भी खुश रहने के लिए। पर खुश रहने के लिए हम दूसरों पर अपने नियम लागू नहीं कर सकते। तो गाइज ये थी हमारी आज की मूवी 1BR। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।